मोहतरम जुल्फिकार अब्बासी साहब, मोहतरम आदिल कादी साहब, मोहतरम सीनियर अब्बासी साहब अलीम अब्बाजी, हामिद खान साहब, सिस्टर लॉयर्स, ब्रदर लॉयर्स, जर्नलिस्ट, वी लॉगर्स, फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ बैठे हुए, किसी ने कहा था ना कि मेरे माजी के असर सब लम्हो पलट आओ के तन्हा रह गया हूँ, उन लोगों पे मेरी नज़र जा रही थी जो पाकिस्तान में समझा जाता था कि ये पैदा ही हुक्मरानी के लिए हुए हैं, ये कभी जाएंगे नहीं। उनमें वाबडा चीफ से लेके सीडीए के चीफ तक, उनमें आर्मी चीफ से लेके अदलिया के चीफ तक, और उनमें प्रोविंशियल एग्जेक्टिव चीफ से लेके मरकज के चीफ तक कोई ऐसा ओहदा नहीं जिसको जब कोई काम नहीं आ सकता, ना ओहदा, ना रुतबा, ना पेंशन, ना घर, ना सरकारी दिए हुए नौकर, वो वकील के दरवाजे पे आके उसका दर खटखटाता है और मिनमिनाता है और मदद मांगता है वकील से। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि मैंने आगाज में ही तीन मैंने छोटे छोटे नुक्ते रखने, मैं पहले नुक्ते पे हूं। आगाज में ही मैं मशवरा देना चाहता हूं उन सबको जो इस वक्त ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मिलिट्राइज कर दिया जाए। बड़ा लंबा अरसा लगा के मैं उस कमेटी का वाइस मेंबर हूं जो इस कन्वेंशन में मौजूद हूं, जिन्होंने बड़ा लंबा अरसा लगाकर इसको जब पहली बार मिलिट्राइज करके एक नाम डाला गया, वो नाम निकाला था, वो नाम नहीं रह सका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कभी भी मुतवाजी अदलिया कायम नहीं की जा सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ है और ये अदल के बुनियादी तस्वुर के खिलाफ है। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से मुतवाजी अदलिया पैदा की जा रही है, इसको वकील कभी कबूल नहीं करेगा, इसको बार कभी कबूल नहीं करेगी, और मुझे यकीन है अपने बाजमीन जजेस पर कि उनका जमीन भी खामोश नहीं रहेगा, वो भी तमाशाई बन के ये तमाशा नहीं देखेंगे। मैं ये बात दो जजमेंट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर जजों वाली कर रहा हूं। पहला ये कि उन्होंने एनआरओ उड़ा दिया था, दूसरा ये वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए गया, एनआरओ उड़ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2010 मुत्तफिका पास हुआ, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट कमेटी, उसमें 5 वज़राए कानून बैठे हुए थे, एस एम जफर साहब मरूम थे, उसमें खालिद रांझा थे, उसमें वसीम सज्जाद थे, उसमें फारूक नायक थे, ये सारे लोग मौजूद थे। मशवरे के बाद भी जो बना था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट को रिटर्न कर दिया था, और उसके नतीजे में 19वीं आईनी तरमीम करनी पड़ी थी। मिसालें मौजूद हैं, मुझे यकीन है अगर कोई झक मारेगा, अगर कोई शबखून मारेगा, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को मिलिट्राइज करेगा तो इस मिलिट्राइजेशन की कोई उम्र नहीं होगी। बहुत दूर नहीं है तारीख, जिस तारीख के बाद तारीख बदलने वाली है। मैं यहां रुक जाता हूं, इससे आगे नहीं कहता, आप सारे समझदार हैं। दूसरा नुक्ता, क्या तरमीम है, हमारे दोस्त कामरान मुर्तजा के पास जाके कहा जाता है कि मुसवदा नहीं है मेरे पास, पार्लियामेंट को कमिटी बना के जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का पार्लियामेंट्री ग्रुप बिठाया जाता है उसको कहते हैं मुसवदा नहीं है हमारे पास।
और तीन रियासत के जिम्मेदार कहते हैं, एक की क्या बात करते हैं, कोई चार पांच मुसवदे घूम रहे हैं। मैं वार्न करना चाहता हूं जो ये मिस एडवेंचर करने के लिए साजिशें हो रही हैं, पाकिस्तान के पास ना कोई शख्स है ना कोई इदारा है, सारे इदारे शामिल करके मैं कह रहा हूं, किसी को कोई इस्तस्ना नहीं है जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सके। अगर कोई रख सकता तो जिस दिन हमने ढाका में भारतीय फौज को लिख के कायदे आजम का पाकिस्तान उसके हवाले किया था, उस दिन बांग्लादेश का कोई नाम दुनिया के नक्शे पे अक्वामे मुत्तहिदा के रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं था। इसलिए याद रखो, सिर्फ एक चीज है जिसपे कौम मुत्तहिद है, और वो नौशकी से लेकर नौशहरा तक, कहूटा से लेकर कोयटा तक, और कराची से लेकर खैबर तक कौम मुत्तहिद है, और वो है पाकिस्तान का मुत्तफिका इस्लामी जमहूरी फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसमें इस तरह का कोई पैच लगाना मिलिटराइजेशन वाला हमें कबूल नहीं है। तीसरा नुक्ता और आखिरी नुक्ता, फिर मैं फलस्तीन पे दो मिनट लूंगा। होने क्या जा रहा है, पांच चीजों पे गौर करना वकला खवातीनों हजरात। सबसे पहले रिट उड़ाई जा रही है, हाई कोर्ट के पास अगर रिट नहीं होगी तो जनरल तजम्मुल वाला केस भी नहीं चल सकेगा, जनरल अब्बासी वाला केस भी नहीं चल सकेगा। जिनको बंद कमरों के पीछे ऊंची दीवारों के नीचे बगैर किसी वकील, बगैर किसी दलील, बगैर किसी अदालत के सजा दी जाती है, वो जजमेंट्स भी चैलेंज नहीं हो सकेंगी। मैं सारे महकमों को कहता हूं, जब पछताओगे उस वक्त उसका कोई फायदा नहीं है। जो पाकिस्तान की सिविल सर्विस है उसके लिए रिट का रास्ता बंद हो गया, तो जो हम उनको इंजंक्टिव ऑर्डर्स लेके देते थे, जो रिस्पाइट लेके देते थे, जो रिप्रीव लेके देते थे, जो उनको स्टे लेके देते थे, वो खत्म हो जाएगा। रिट क्वीन ऑफ इंग्लैंड के जमाने में शुरू हुई थी, पाकिस्तान में आई तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन बनी, पांच हाई कोर्ट्स सब अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपने अपने शौर के मुताबिक रिट के जरिए से लोगों को इस वक्त फायदा दे रहे हैं। पाकिस्तान के रोकने वाले सारे गिन लें, 35-40 लोग होंगे जो ये इंजीनियरिंग और कॉन्स्टिट्यूशन की रिवर्स इंजीनियरिंग करने पे लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की सर्विसेज में से, खा वो प्रोविंशियल सर्विसेज हों, लोकल एंड स्पेशल लॉज वाली हों, या सेंट्रल सर्विसेज हों, सबके लाखों लोगों के लिए पांच हाई कोर्ट्स में रिट का दरवाजा बंद होने जा रहा है। ये हम कबूल किसी सूरत में नहीं करेंगे। रिट है, रिट रहेगी, रिट चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की रिट चलेगी। दूसरा नुक्ता, क्या किया जा रहा है, मत पूछो कौन अगवा हुआ, किसने अगवा किया, अगवाकार का नकाब मत उतारो। ये मैं आपको एसेंस बता रहा हूं, ये दूसरी कोशिश हो रही है। और तीसरी कोशिश जो हो रही है वो मैं सबको मुहिब्बे वतन समझता हूं, और खुद अपने लिए मुझे कोई सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए, खास तौर पे किसी महकमे से नहीं चाहिए कि मैं कौन हूं। मेरे अजदाद की आठ नस्लों की यहां पास कपने हैं, यहां से 40 मिनट की ड्राइव पे। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं ये बात कि ये पैकेज जो किसी अंधेरी कोठड़ी की काली फाइल के नीचे पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान की फेडरेशन के ऊपर हमला है।
ये कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है, और सबसे बढ़ के जो ये करने जा रहे हैं ये उनकी तरफ से अपने ऊपर खुद कुछ हमला है। खुद कुछ पहले खुद मरता है, फिर दूसरों तक छर्रे जाते हैं, शार्पनर जाते हैं, स्प्रिंकलर जाते हैं, स्प्रिंटर जाते हैं। इसलिए ये खेल निजामे अदल की जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। इसको हम बहुत संजीदा ले रहे हैं। मैं आपको आखिरी एक लाइन बताऊं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से। मैं इस मौके पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने दो कॉन्स्टिट्यूशन दो साल में बनाए, उसको मैं सलाम पेश करना चाहता हूं। हफीज पीरजादा कानूनी कमेटी के सरबराह थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मुल्तान वाले साहबजादा साहब यंग स्पीकर थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। शेख हसन के गिराई मेरे अंकल मलिक जाफर एडवोकेट उस कमेटी में मौजूद थे एज यंग लॉयर। सबसे मशवरा हुआ जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना रहे थे, मैंने चीमा साहब को बुलाया, काजी बाबर साहब को बुलाया, अलीम को मैंने बुलाया, मैंने शोरिश को बुलाया, वकला के नुमाइंदे बुलाए, हमने उनसे बात की, पाकिस्तान के सारे वकीलों के नुमाइंदे बुलाए, हमने उनसे बात की। ये कैसी तरमीम है? आप कहें अंजमने बहबूदिये मरीजा नया जिला है, मरी का वहां मैं बनाना चाहता हूं, डॉक्टर उसमें शामिल नहीं होगा, नर्स उसमें नहीं बैठेगा, उसमें मरीज नहीं होगा, एंड यूजर अगर नहीं होगा तो एंड यूजर हमें, एंड लूजर सारी कौम हो जाएगी। इस नुकसान से आप सबको मिलकर रोकना होगा। और यह सिर्फ वकला का मसला नहीं है, मैं पाकिस्तान के लोगों से मुखातिब होकर कहता हूं, आपकी जिंदगियां अजीरन बनेंगी। वकील भी अगवा होते हैं, वकील भी जख्मी होते हैं, वकील भी गिरफ्तार हुए जिसकी मैं मजम्मत करता हूं, लेकिन जो लोग उठाए जाते हैं उनका पता ही नहीं चलता। शाबाश है जस्टिस कियानी के बेंच को जो इतने लंबे अरसे से लगे हुए हैं, पीछे हटने पे तैयार नहीं है, हर तारीख पे एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और तीन हर्फ भेजने चाहिए उस कमीशन के ऊपर जो बलूचिस्तान के गुमशुदा अफराद को ढूंढने के लिए बैठा हुआ है, तनख्वाहें ले रहा है, गाड़ियां चला रहा है, सरकारी वसाइल खर्च कर रहा है, नतीजा नदारद। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म फिर जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। गजा और गजा के मुजाहिदो तुम्हें सलाम, फलस्तीन और फलस्तीन के मुजाहिदो तुम्हें सलाम, हसन नसुल्ला शहीद, शहीद फलस्तीन, शहीद इस्लाम तुझे सलाम, ईरान तेरी क़यादत को सलाम, उसी तेरी क़यादत को सलाम। और एक एक शख्स जो उनके साथ खड़ा है उसको सलाम। मैंने एक सवाल आपके पास छोड़ना है, किताबें खोलिएगा, देखिएगा, कोई ऐसा मुल्क है, मिसाल शुरू करें आप, वो मुल्क जो तशद्दुद, जुल्म, बमबारी, फोर्स फोर्स बॉम्ब वो सप्लाई करने के मुलजिम हैं, उनके यहां लाखों लोग रोज सड़कों पे निकलते हैं। यहां सेनेटर मुश्ताक कुछ लोगों को लेके निकले थे, पर्चे क्या हुए, फलस्तीन का परचम लेके बाहर निकला है, पर्चे क्या हुए, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क हमें किसी ने फतह करके नहीं दिया, ये मुल्क कायदे आजम ने बनाया था, कायदे आजम ने बनाने के बाद आपके हवाले किया। मुझे अपनी नौजवान नस्ल जिसकी यहां पे अक्सरियत है उससे ये कहना है कि आपके मुस्तकबिल का सवाल है कि पाकिस्तान में एक्सटेंशनिज्म को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाए, दफन किया जाए, दफा किया जाए, दूर किया जाए। बहुत ममनून हूं मैं इस बार एसोसिएशन का, बार काउंसिल का, यहां के वकला का।
इससे पहले भी जब कोई जिम्मेदारी आपने लगाई मैंने पूरी की, आपके मेंबर की हैसियत से, आपके एक प्रैक्टिसिंग वर्कर लॉयर भाई की हैसियत से, मैं अपनी खिदमात अपने सारे वसाइल इस तहरीक के लिए आई पुट ऑल दैट ऑन योर डिस्पोजल। पाकिस्तान जिंदाबाद।